जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी ऑफ मैन, इंसान की ओरल कैविटी। व्हाट इज ओरल कैविटी? ओरल कैविटी बेटा ये मुंह है, ये हमारा जो मुंह है दिस इज ओरल कैविटी। तो जी हाँ, दिस इज ओरल कैविटी, दिस इज ओरल कैविटी जिसमें हमारे पास ये दांत हैं, ये दांत, तो सात जुबान है, अंदर जुबान है। अच्छा, ये दांतों के बिल्कुल पीछे जो ऑरेंज शेड में, नहीं ऑरेंज शेड में, इसको कहते हैं हार्ड पैलेट और इसको कहेंगे सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट में हड्डी कोई नहीं। और दांतों के बिल्कुल बैक साइड पे ये रूफ, रूफ कहते हैं ऊपर छत, ओरल कैविटी के छत में, दिस इज हार्ड पैलेट। जबकि फ्लोर पर हमारे पास टंग है और ये जो एरिया है ये फेरेंक्स है, दिस एरिया इज कॉल्ड फेरेंक्स। तो ये फेरेंक्स है, ये टीथ है, हार्ड पैलेट है और साथ क्या है अपना सॉफ्ट पैलेट है। ठीक है बेटा, तो ओरल कैविटी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। लो जी, टॉपिक है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। ये बहुत दफा बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आया है, रिमेंबर दैट। सो इट इज सिलेक्टेड फॉर बोर्ड एग्जाम्स मेनी टाइम्स। ठीक मेरा बच्चा, तो मेनी टाइम्स इट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो रिमेंबर दैट, बहुत इजी है और इसको आपने याद करने की नियत से मेरे साथ 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 पढ़ना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देर आर सेवरल फंक्शंस ऑफ द ओरल कैविटी। तो हमारी जो ओरल कैविटी है, ये जो ओरल कैविटी है इसके कई फंक्शंस हैं, इसके सेवरल फंक्शंस। वो क्या है? वो है नंबर वन, सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड को सिलेक्ट करना कि क्या खाने वाली चीज खराब तो नहीं, क्या वो स्टेल तो नहीं है, क्या उसमें कोई डर्ट वगैरह तो नहीं है। तो जी हाँ, हम फूड को सिलेक्ट करते हैं। तो कुछ बच्चे बड़े चूजी होते हैं, ओरल कैविटी में मुंह डाल, वो मुंह कह रहा हूं, मुंह में खाने की चीज डालते साथ ही बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं नहीं हमने नहीं खाना। दूसरा फंक्शन है ग्राइंडिंग एंड मैस्टिकेशन। तो जी हाँ, ओरल कैविटी में जो दांत हैं उनकी मदद से हम फूड की ग्राइंडिंग कर लेते हैं। ग्राइंडिंग करने को मैस्टिकेशन कहते हैं। फिर थूक है, स्लाइवा। तो स्लाइवा की मदद से हम उस फूड को, उसकी लुब्रिकेशन कर लेते हैं। लुब्रिकेशन से मुराद उसको वेट कर लेंगे, उसको मॉइस्ट कर लेंगे ताकि वो फेरेंक्स में से इजिली स्लिप पास होकर, फेरेंक्स के अंदर से इजिली स्लिप पास होकर तो एसोफेगस के जरिए स्टमक में चला जाए, उसके उसकी लुब्रिकेशन कर देंगे ताकि इजिली स्लिप पास हो। एंड लास्ट फंक्शन है जी डाइजेशन। तो स्लाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसके जरिए हम कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि स्टार्च की पार्शियल डाइजेशन करेंगे। तो अब हम इन चारों फंक्शंस की डिटेल करने लगे हैं, इन चारों फंक्शंस की डिटेल। ले जनाब, पहला जो है दैट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। फर्स्ट वाला जो है इट इज सिलेक्शन ऑफ फूड। तो बच्चों, व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी, ये जरा इजी है, हो सकता मैं रीडिंग करके आगे निकल जाऊं। तो ओरल कैविटी क्या है? द कैविटी विच इज बाउंडेड बाय पैलेट। तो पैलेट पुत्र तालू है, इस हिस्से को पैलेट बोलेंगे। अब पैलेट में दो हिस्से हैं, एक है ये ऑरेंजिश कलर की हार्ड पैलेट, तो एक है पीछे सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट में हड्डी कोई नहीं। ठीक, तो व्हेन फूड एंटर्स द ओरल कैविटी,
the cavity bounded by palate, फिर कैविटी में टंग है, फिर कैविटी में टीथ है, और फिर कैविटी में चीक्स है. ये चीक्स मतलब बाहर से नहीं है, चीक्स अंदर से है. याद होगा आपने मैट्रिक में प्रैक्टिकल के लिए आपने टूथपिक पर चीक सेल्स लिए थे, तो वो अंदर से लिए थे, माउथ के अंदर से. तो जनाब दीज आर चीक्स. तो बेटा इस ओरल कैविटी में फूड इज टेस्टेड, इसके अलावा फूड इज ऑल्सो स्मेल्ड. तो नाक तक भी खबर पहुंचती है जनाब के फूड की स्मेल कैसी है. एंड फूड इज फेल्ट. फेल्ट से मुराद के जुबान पर फीलिंग्स आती हैं कि फूड में कोई डर्ट, कोई कोई पत्थर, कोई हार्ड, कोई हड्डी चीज, कोई हड्डी वगैरह तो नहीं. तो फूड इज फेल्ट. इफ द टेस्ट या फिर स्मेल ना साजगार हो, अनप्लेजेंट हो, या अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट्स हो जैसे बोन, या कोई डर्ट, डर्ट मतलब कोई कोई मिट्टी वगैरह हो, कोई कोई रेतीली चीज हो, तो दैट इज प्रेजेंट इन द फूड, इट इज रिजेक्टेड. हम उसको फौरन अपनी ओरल कैविटी से बाहर निकाल दें. ओरल कैविटी इज एडेड. एड कहते हैं बेटा हेल्प को. तो ओरल कैविटी की मजीद दो सेंसेशंस हेल्प करती हैं इन सिलेक्शन, और वो है सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ साइट. और ओरल कैविटी की जुबान के अंदर अपनी है सेंस ऑफ टेस्ट. तो ओरल कैविटी इज एडेड बाय थ्री सेंसेस, दैट इज सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट और सेंस ऑफ साइट, मिलकर फूड की सिलेक्शन में मदद देती है. इसी तरह टंग बीइंग अ सेंसरी एंड मस्कुलर ऑर्गन, टंग एक सेंसरी ऑर्गन भी है, इट कैन फील द टेस्ट, और एक मस्कुलर ऑर्गन है. मस्कुलर ऑर्गन से मुराद के वो टंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होकर च्यूड फूड का बोलस बनाने में मदद देगी, मतलब उसको रोल कर लेगी. और टंग जो है वो पुश भी करती रहती है, टंग पुश करती रहती है इसको, च्यूड फूड को बार बार पुश करती है दांतों के दरमियान कि मजीद च्यूइंग हो जाए. प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ द फूड थ्रू इट्स टेस्ट बड. और टंग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर उसके बोलस बनने में भी मदद देगी, और टंग जो है वो बार बार ग्राइंडिंग एक्शन में भी मदद करेगी कि टंग बार बार पुश करेगी कि चले जाओ दांतों के नीचे. खैर वो ग्राइंडिंग में पढ़ाना था लेकिन मैं पहले बोल गया, इट्स ओके. अगला आया ग्राइंडिंग और मैस्टिकेशन. आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन हो जाने के बाद द फूड इज ग्राउंड. फूड की ग्राइंडिंग की जाती है बाय मींस ऑफ मोलर टीथ. मोलर मतलब दाढ़े, ये जो हमारे जो बैक साइड वाले ये वाले जो दाढ़े हैं, ये वाले जो दांत हैं, ये वाले, ये स्पेशल अल्लाह पाक ने ग्राइंडिंग के लिए बनाए हुए हैं. प्री मोलर्स और मोलर्स, पिछली दाढ़े मोलर्स और आगे वाली दाढ़े छोटी वाली प्री मोलर्स, ये कैनाइन्स होते हैं फॉर ग्रास्पिंग, और सामने वाले इंसाइजर्स होते हैं जो कि फॉर कटिंग होते हैं. तो इनकी बात हो रही है, दीज आर मोलर्स. तो जो मोलर्स हैं, मोलर टीथ, ये बड़े फूड को छोटे पीसेस में तोड़ देती है. ये अमल बड़ा यूजफुल होता है, दिस इज वेरी मच यूजफुल, बिकॉज जो एसोफेगस है वो छोटे छोटे पीसेस को ज्यादा अलाउ करेगा कि मेरे अंदर से गुजर कर तो स्टमक तक चलेगा. सो एसोफेगस अलाउ रिलेटिवली स्मॉल पीसेस टू पास थ्रू. और दूसरा फायदा ये हो जाता है कि स्मॉल पीसेस के ऊपर एंजाइम बड़े इजीली अटैक करते हैं. तो जी हाँ, आप एक बड़ा बर्गर लें, उस बर्गर के दरमियान में थोड़ा सा एसिड फेंक दें, तो वो एसिड डैमेज करेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा बर्गर डैमेज होगा. लेकिन अगर आप उसी बर्गर के पीसेस कर देंगे और ऊपर उतना ही एसिड फेंकेंगे तो डैमेज कंपैरेटिवली ज्यादा होगा. तो स्मॉल पीसेस से सरफेस एरिया बढ़ जाता है डैमेज, तो डैमेज कह रहा हूं एंजाइमेटिक एक्शन के लिए, बेहतरीन सरफेस एरिया हो जाएगा.
the small pieces have much more surface for the enzyme to attack. Teesra function hai lubrication and digestion. So lubrication, jaise ki maine aapko bataya ki lubrication kaun karte hain, maine kaha tha saliva. Maine kaha tha ki lubrication kaun karega, saliva. Lubrication and digestion. To mere bachcho, lubrication karna matlab food ko moist karna. To lubrication and digestion. Okay. So these are the main functions of the oral cavity accomplished by saliva. Saliva beta phook. Saliva is secreted by three pairs of glands. So total 6 hai. और उन छह के three pairs हैं, यानी के three pairs of salivary glands हैं। कौन-कौन से जनाब? Sublingual glands, ये tongue के नीचे हैं, ये मतलब जुबान के नीचे मौजूद हैं। दूसरे हैं submaxillary जो हैं, ये behind the jaws हैं। और तीसरे हैं parotid glands. ये in front of the ears है. तो आपको दिखा भी देते हैं कि ये कहाँ कहाँ होते हैं. तो ये मौजूद हैं जी, हमें सारी पार करनी पड़ेंगी. लो ये तो आ ही नहीं रही. जरा ना बेटा, ये आप देख सक रहे हैं कि एक पैर होगा जुबान के नीचे. तो जुबान के नीचे वाले पैर को क्या बोल देंगे? सबलिंगुअल. सबलिंगुअल. एक है कानों के आगे. कानों के आगे वालों को पैरोटिड बोलेंगे. तो ये देखें, पैरोटिड आर इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स. तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर इन फ्रंट ऑफ द ईयर्स ये पैरोटिड हैं, जबकि सबलिंगुअल आर सिचुएटेड बिलो द टंग. तो ये बिलो द टंग वाले हैं, ये सबलिंगुअल हैं. और एक है बेटा जॉज की बैक साइड पर. जॉज की बैक साइड पर ये रहा. ये जॉज की बैक साइड पर इन्होंने नाम रखा हुआ सब मैंडिबुलर, जबकि हमारी किताब में इसका नाम है सब मैक्सिलरी. तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, क्योंकि मैंडिबल हमारी लोअर जॉ की बोन को कहते हैं. तो बिहाइंड द जॉज. तो ये देख लें, दोबारा देख लें, कानों के आगे वाले पैरोटिड, ये जबड़े की बैक साइड वाले सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, और जुबान के नीचे वाले सब लिंगुअल. तो जी हाँ, ये है थ्री पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स. बेटा इन तीन के तीन पेयर्स जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवा प्रोड्यूस्ड बाय दीज ग्लैंड्स कंटेन थ्री इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स. और ये तीनों के तीनों सेम स्लाइवा सेक्रीट करते हैं. और वो थ्री इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? स्लाइवा में मौजूद है पानी और म्यूकस. स्लाइवा में मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सम अदर सॉल्ट्स. स्लाइवा में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज एमाइलेज. और एमाइलेज का दूसरा नाम है पी टायलिन, या टायलिन कह लो या पी टायलिन कह लो. तो बेटा दीज थ्री थिंग्स आर प्रेजेंट इन स्लाइवा, वाटर एंड म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अदर सॉल्ट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट इज एमाइलेज, जिसको सेलिवरी एमाइलेज बोलेंगे, या पी टायलिन.
अब हम पढ़ने लगे हैं इनके फंक्शंस. वाटर एंड म्यूकस दोनों मिलकर टुगेदर मेक अ स्लाइमी लिक्विड, एक स्लाइमी लिक्विड जो के लुब्रिकेशन को कम करेगा. इट विल मॉइस्चन द फूड, ये फूड पार्टिकल्स को मॉइस्ट गीला कर देगा और लुब्रिकेट कर देगा, उसको फ्रिक्शन लेस कर देगा द फूड, सो दैट इट कैन बी च्यूड एफिशिएंटली, ताकि उसको अच्छी तरह ग्राइंड किया जा सके और वो फूड पास हो थ्रू द एसोफेगस वेरी स्मूथली, और वो फूड एसोफेगस से पास हो बहुत स्मूथली, एसोफेगस से गुजरकर तो स्टमक तक चला जाए. सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे सॉल्ट्स का फंक्शन क्या है कि नंबर एक, तो ये सॉल्ट्स स्लाइटली एंटीसेप्टिक हैं, एंटीसेप्टिक से मुराद कि ये इंफेक्शंस को रोकते हैं. बट देयर मेन फंक्शन इज टू स्टेबलाइज द पीएच ऑफ द फूड. तो ये एसिडिक फूड या कोई और किस्म के फूड की पीएच को स्टेबलाइज करेगा, उसको लिटिल बिट न्यूट्रलाइज करेगा. बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द पीएच ऑफ द फ्रेश स्लाइवा इज नियरली 8. याद रखें, फ्रेश स्लाइवा अगर अभी अभी किसी ने थूक फेंकी है या मुंह में थूक उसके आई है तो वो एल्कलाइन होगी और उसकी पीएच ज्यादा होगी, दैट इज 8. लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पीएच 6 में तब्दील हो जाएगी. वजह पूछे क्यों, तो आपने कहना है कि जनाब वो फ्रेश स्लाइवा क्विकली लूज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट्स टू पीएच 6, दैट इज एसिडिक हो जाएगा. तो जी हाँ, फ्रेश स्लाइवा एल्कलाइन है और ओल्ड स्लाइवा एसिडिक है. तो फ्रेश स्लाइवा इज एल्कलाइन विद पीएच नियरली 8 एंड दिस फ्रेश स्लाइवा विल क्विकली लूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ओल्ड स्लाइवा लिटिल बिट ओल्ड विल गेट टू द पीएच 6. P-tialin amylase is the carbohydrate digesting enzyme which digests starch and starch or glycogen, जो के दोनों एक polysaccharides हैं दोनों, उन polysaccharides को disaccharide में तोड़ देगा, that is maltose में. Mono में नहीं तोड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि P-tialin कर रहा है पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. पार्शियल से मुराद के वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेस कॉम्प्लेक्स में तोड़ रहा है, बट नॉट इनटू सिंपल वंस. एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये किसी वक्त टोटल कैविटी पर पूरा आ जाए तो सब कुछ लिखना होता है, लेकिन अगर ये आ जाए राइट अ नोट ऑन स्वॉलोइंग, तो स्वॉलोइंग बजाते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्टिकेशन कहते हैं ग्राइंडिंग, तो ग्राइंडिंग के रिजल्ट में एक सॉफ्टेंड इंतहाई नरम पार्टली डाइजेस्टेड, मतलब जिसमें अधूरी डाइजेशन हुई भी हो, यानी मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स इनटू लेस कॉम्प्लेक्स बट स्टिल कॉम्प्लेक्स, और फिर स्लाइमी फूड मैस बन जाएगा, दैट इज रोल्ड इनटू अ स्मॉल ओवल लंप. उसको टंग और पैलेट की मदद से एक स्मॉल ओवल लंप में, ढेले में, लंप ढेला में चेंज कर दिया जाएगा. वो ग्राइंडेड फूड, वो नरम शुद्ध फूड, फूड का जो ओवल शेप्ड मास होगा, दैट विल बी कॉल्ड बोलस. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन बोलस. तो व्हाट इज बोलस, यू विल से एज अ रिजल्ट ऑफ मास्टिकेशन द सॉफ्टेंड एंड पार्टली डाइजेस्टेड स्लाइमी फूड मास इज रोल्ड इनटू स्मॉल ओवल लंप कॉल्ड बोलस. फिर बोलस को
push kar diya jayega, bolus will be pushed to the back of the mouth. Usko mouth ki back side pe push kar diya jayega. By the action of tongue, usko tongue piche ko move karegi. And muscles of the pharynx, which will ensure, or muscles of pharynx or tongue milkar ensure karenge, if food windpipe mein mat jaye, food trachea mein mat jaye, food saans ki nali mein mat jaye, food jaye khuraak ki nali, that is esophagus mein. So food esophagus mein jaye, food khuraak ki nali mein jaye. Aaiye dekhte hain main events which occur during swallowing. तो बच्चों यहां मैं आपको एक छोटा सा दिखा दूं कि वाइल स्वॉलोइंग हम लोग क्या क्या देखेंगे. तो ये देखें, ये है टंग, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां जहां हड्डी है वो है हार्ड पैलेट, और जहां हड्डी नहीं है, गोश्त है, वहां होगी सॉफ्ट पैलेट. वहां क्या होगी? सॉफ्ट पैलेट. को के यहां हार्ड पैलेट होगी इस तरफ, और यहां होगी सॉफ्ट पैलेट. टंग पहला स्टेप बेटा, टंग ऊपर को उठी, ये दरमियान में बोलस है, ये हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, जुबान ऊपर को उठेगी और पीछे को जाएगी. जब जुबान पीछे को जाएगी तो सॉफ्ट पैलेट को ऊपर को पुश करेगी. जब सॉफ्ट पैलेट ऊपर को पुश होगी तो ये वाला रास्ता जो कि नेजल कैविटी से आ रहा है, नेजल कैविटी वाले इस रास्ते को इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बोलोगे, ये इस जगह से जहां से हवा निकलकर नीचे आती. तो बेटा सॉफ्ट पैलेट ऊपर पुश होने की वजह से इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाएंगी, नेजल कैविटी का ये वाला रास्ता बंद कर दिया जाएगा. पहला एक्शन टंग ऊपर को उठी, दूसरा एक्शन सॉफ्ट पैलेट ऊपर को जाएगी. सॉफ्ट पैलेट के ऊपर के जाने की वजह से नेजल कैविटीज के बैक साइड वाला एरिया, ये नेजल कैविटीज के बैक साइड वाला एरिया ये बंद हो जाएगा, और बोलस जब नीचे को आएगा तो यहां से क्या होगा, ये है विंड का पाइप. विंड पाइप मतलब जहां से सांस लेते हैं हम बेटा. विंड पाइप ट्रेकिया ऊपर को उठेगा. जब ट्रेकिया ऊपर को उठेगा तो यहां ये है एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. एपिग्लॉटिस जे शेप्ड ऑर्गन है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. अच्छा, एपिग्लॉटिस के हॉरिजॉन्टल होने पर क्या होगा कि ट्रेकिया ऊपर को उठकर टच हो जाएगा, एपिग्लॉटिस से टच हो जाएगा. और तो और एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के नीचे जो विंड पाइप का जो होल है उसको ग्लॉटिस बोलेंगे. ग्लॉटिस पर अल्लाह पाक ने एक स्फिंक्टर मसल दिया होगा. स्फिंक्टर मसल से मुराद एक रिंग मसल. वो रिंग मसल भी टाइट होकर, तो टाइट होने के बाद वो ट्रेकिया को अलग बंद कर देगा. तो दोबारा सुन लें, अल्लाह ने देखो क्या क्या चीज हमारे सांस की नाली में खुराक ना चली जाए, तो अल्लाह का निजाम चेक करें कि नंबर वन, टंग ऊपर को जाएगी, इट विल पुश द सॉफ्ट पैलेट, इट विल क्लोज द पैसेज towards the nasal cavities, के खुराक नाक में ना चली जाए. उसके बाद epiglottis will become flat and will cover glottis. Glottis मतलब the hole which leads to trachea. Glottis larynx की start है. उस होल को जो larynx और trachea में जाता है उसको glottis बोलते हैं. Glottis के ऊपर एक ring muscle होगा sphincter, वो tightly close हो जाएगा. और तो और ट्रेकिया ऊपर को भी उठेगी, और किससे टच हो जाएगी? एपिग्लॉटिस से. और इस तरीके से बोलस यहां से होता हुआ, ये देखो बोलस यहां से होता हुआ सीधा किस में चला जाएगा? एसोफेगस. और इस तरह स्वॉलोइंग हो जाएगी. तो अब मैं इसकी रीडिंग करने लगा हूं, समझ में ना आए तो मुझसे उसी वक्त सवाल पूछे. लें जनाब, द टंग मूव्स अपवर्ड्स. मैंने कहा था ना टंग विल मूव अपवर्ड एंड फिर बैकवर्ड अगेंस्ट द रूफ ऑफ द माउथ, फोर्सिंग द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी. लो जनाब, बोलस बैक ऑफ द ओरल कैविटी पर चली गई. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा,
the backward movement of the tongue. Jab tongue backward move hogi, it will push the soft palate up. So soft palate ko upar dhakela jayega, which will close the nasal opening at the back, aur naak ko jo opening jari hai wo close ho jayegi. Uske baad mera beta, at the same time the tongue forces the epiglottis. Epiglottis wo jo flap tha, jo glottis ke upar jo flap tha, ye raji epiglottis, this one, this white portion. So tongue push karegi, epiglottis ko force karegi, a flap of cartilage into more or less horizontal position mein aa jao. Thus, that will close the opening of the windpipe. Lekin abhi picture baki hai. The larynx, jo ke trachea ke upar ek cartilaginous box hai. The larynx, the cartilage round the top of the windpipe will move upward. Maine kaha tha na, wo upar ko move hokar to epiglottis se touch kar jayega. The back of the tongue, to phir kya hoga? The glottis is partly closed, aur glottis ko somewhat close karega by the contraction of the ring muscle. Jo Allah ne glottis mein diya hua, wo ring muscle bhi tight ho jayega. Glottis ka ring muscle bhi tight ho gaya. Aur uske baad, the food does not enter the partly open, jo halki si open hai, glottis mein enter nahi hoga. Because the epiglottis, kyunki upar jo epiglottis ka jo cover hai, wo us bolus ko divert kar dega to one side of the opening, safely down to the esophagus. Aur wo usko esophagus mein jane dega. ये इसमें आप देख सकते हो कि वो बोलस एसोफेगस के अंदर उतर जाएगा. तो देखते हैं कुछ और फोटोग्राफ में भी. ये देखें, ये बोलस अभी पीछे को जा रहा है, तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर को गया, नोज की तरफ रास्ते को बंद कर दिया गया, एपिग्लॉटिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. ये वो होल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि यहां पर रिंग मसल होगा, वो भी क्लोज हो जाएगा, एपिग्लॉटिस इसके ऊपर आ जाएगा, और बोलस यहां से निकलकर एपिग्लॉटिस उसको किधर भेज देगा, ये बैक साइड पर, जो कि एसोफेगस होगी, जो कि क्या होगी, एसोफेगस. तो ये देखें, ये है कि जब ये बोलस आ रहा है तो सॉफ्ट पैलेट को पीछे पुश किया, ये देखें नोज बंद हो गई. नोज बंद होने के बाद ये जो एपिग्लॉटिस है, एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया. ये देखें, ये एपिग्लॉटिस ने ग्लॉटिस को बंद कर दिया. ये हवा वाला पाइप है, तो हवा वाला पाइप बिल्कुल बंद हो जाएगा और साथ बोलस किस में चला जाएगा, खुराक की नाली, दैट इज एसोफेगस. जनाब, द बिगनिंग ऑफ द स्वॉलोइंग, स्वॉलोइंग की जो शुरुआत का जो एक्शन है, इस वॉलंटरी, वॉलंटरी से मुराद आपकी मर्जी से होगा. ये मर्जी है, खुराक को निगलना हमारी मर्जी है. लेकिन एक दफा खुराक निगल ली तो फिर अब उसको एसोफेगस में, एक दफा चली गई तो एसोफेगस से स्टमक, स्टमक से एनस की जानिब, अब उसको कोई नहीं रोकेगा, वो सारा फिर इनवॉलंटरी है. बट वंस द फूड रीचेस द बैक ऑफ द माउथ, the swallowing becomes automatic. The food is then forced down the esophagus by peristalsis. Ab ye peristalsis kya bhala hai, to sunen. Peristalsis kya hai beta, ke hamare esophagus mein kuch longitudinal aur kuch circular muscles hote hain. Circular jo circle banaye, aur longitudinal jo अपर एंड से लोअर एंड तक एसोफेगस तक चले. इनकी अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि बोलस की बैक साइड पर एक रिंग बन जाएगा, एक घुटावा रिंग बन जाएगा, जो बोलस को मजबूर करेगा कि वो एसोफेगस से नीचे की जानब उतरता उतरता जाकर किस में जा गिरे, स्टमक में. तो बेटा एसोफेगस की अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसके मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्टिंग एक रिंग बनेगा, विच विल फोर्स बोलस टू गो टुवर्ड्स द स्टमक, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस. दीज आर कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बाय विच
food is moved along the cavity of the digestive canal. It consists of the wave of contraction of the circular and longitudinal muscles. Jo banayenge ek wave of relaxation, thus squeezing the food down along the canal, along the alimentary canal. Kehta hai peristalsis starts just behind the mass of food. Yaad rakhiye bolus ke bilkul peeche se peristalsis start hogi aur wo oral cavity se start hogi, oral cavity aur wahan se wo esophagus ke junction se. The esophagus to the stomach aur esophagus ko lekar chalegi aur wo pahunchakar rahegi food ko stomach tak. और फिर याद रखें कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अगर फूड आगे पास हो रहा है तो वो पेरिस्टाल्सिस की वजह से. अच्छा भाई, कभी कभार ओकेजनली द मूवमेंट्स आर रिवर्स्ड. कभी कभी स्टमक से एसोफेगस की जानिब रिवर्स मूवमेंट हो जाती है, उल्टी जब आती है, विद द रिजल्ट फूड मे बी पास्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन बैक इन टू द स्टमक और इंटेस्टाइन से स्टमक और स्टमक से इवन इन द माउथ और उल्टी आ जाती है. तो उल्टी आने वाली इस मूवमेंट को एंटी पेरिस्टाल्सिस मतलब पेरिस्टाल्सिस का उलट बोलेंगे, लीडिंग टू वॉमिटिंग. लीडिंग टू वॉमिटिंग किसी वक्त ये होता है कि जब हमें 12 से 24 घंटे से ज्यादा हो गया हो फाका काटते हुए, तो बेटा खाली पेट में भी, खाली इंटेस्टाइन्स में, खाली स्टमक में खुद ब खुद ऑटोमेटिक पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है. उन खाली पेट वाली, खाली स्टमक वाली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को हंगर कॉन्ट्रैक्शंस कहेंगे. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट. व्हाट आर हंगर कॉन्ट्रैक्शंस? दीज आर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस व्हिच आर इंक्रीज्ड ड्यू टू लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. इसलिए जो बेचारे शुगर के मरीज है, खासकर हाइपोग्लाइसीमिया, जिनकी शुगर लो रहती है, उन बेचारों को हर वक्त हंगर पैंग्स पड़ते रहते हैं और उनको खुराक की तलब होती है. एंड दीज आर सफिशेंटली स्ट्रॉन्ग टू क्रिएट एन अनकंफर्टेबल सेंसेशन. एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन हुई रहती है एंड दीज अनकंफर्टेबल सेंसेशन आर कॉल्ड हंगर पैंग्स. हंगर पैंग्स तब पड़ती हैं, यूजली बिगिन 12 to 24 आवर्स आफ्टर द प्रीवियस मील. क्या आपको पिछला खाना खाए हुए 12 से 24 घंटे अगर बीत गए तो फिर हंगर पैंग्स पड़ती हैं. और कुछ लोगों में इसका टाइम कम है, यानी कि थोड़ा सा ही फाका काटे, तो जिस तरह मेरे जैसे लोग, खैर मैं तो डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मेरी भी जब भी शुगर लो होती है तो मेरे मुझे डिसकंफर्ट फील होती है, बड़ी जबरदस्त अनकंफर्टेबल सेंसेशन होती है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि मैं कुछ खाऊं. फॉर सम पीपल. आज का लेक्चर यहाँ खत्म हुआ बेटा. ओरल कैविटी हमने पूरी कर ली है. अगर आपको समझ आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा. जी मेरा बच्चा, आपको कोई क्वेश्चन करना है तो बोलिए.